दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैंसी। भाई, बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों बच्चन परिवार सुर्खियों में है। भाई, बच्चन परिवार का हर एक सदस्य खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तो वहीं जो सुर्खियों का मेन सेंटर ऑफ पॉइंट है वो है ऐश्वर्या एंड अभिषेक। भाई, ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। एक नहीं, कई बार सोशल मीडिया पर इन सबूतों के जरिए देखा जा रहा है कि अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्तों में खटास आ चुकी है। इनके रिश्ते अब बिगड़ चुके हैं। अब ऐसे में हाल ही में ऐश्वर्या की तरफ से जो है एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अभिषेक के साथ घर के अंदर आखिरकार कैसा है उनका रिश्ता, चार दीवारी जलसा के अंदर क्या कहानी है अभिषेक और ऐश्वर्या की। आपको ये जानकारी दे दें कि बीते लंबे समय से इनकी तलाक की खबरें सामने आ रही हैं। बीते लंबे समय से कहा जा रहा है कि इन दोनों की राहें बदल सकती हैं, मगर आप पहले इस रिपोर्ट में देखिए आखिरकार अपनी जुबानी जब झलका ऐश्वर्या का दर्द। देखिए ये खास पेशकश। भाई, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच काफी समय से चल रही है अनबन की खबरें। हाल ही में दोनों का तलाक हो चुका है, कहा तो ये भी जा रहा है। इन खबरों में भी अब कितनी सच्चाई है, खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अब इन सभी अफवाहों के बीच ऐश्वर्या राय का एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें खुद एक्ट्रेस ने अपनी और अभिषेक की लड़ाई को लेकर भी बड़े खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि आखिरकार जलसा के अंदर कैसा है अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन ने रिवील किया था कि वो और अभिषेक हर दिन लड़ते हैं। हेलो बी यू स्टार्ट। तो वही, हालांकि अभिषेक ने उसे झगड़े का वर्ड ना कहकर असहमति का शब्द कह दिया, मगर ऐश्वर्या ने कहा कि हमारी आए दिन घर में लड़ाई होती है। अभिषेक ने कहा कि लेकिन वो झगड़ते नहीं, बल्कि किसी ना किसी बात पर असहमत जरूर होते हैं। वो सीरियस नहीं है, वो हेल्दी है, वरना लव लाइफ में बेहद ही बोरिंग होगी। यहाँ पर बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से अभिषेक बच्चन डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने ये भी बताया कि वो अपने बीच होने वाली असहमतियों को कैसे सुलझाते हैं। अभिषेक बच्चन ने बताया कि वो लड़ाई के बाद माफ़ी मांगते हैं और वो कभी लड़ाई करके नहीं सोते। अभिषेक ने कहा कि सभी पुरुष के बचाव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आधा समय हम माफ़ी मांगने की वजह ये बताते हैं कि हमें बहुत नींद में है और बिस्तर पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा महिला बेस्ट है, वो हमेशा सही होती हैं। जितनी जल्दी पुरुष इसे मान ले उतना बेहतर है। आपको बता दें कि ये इंटरव्यू 2010 का बताया जा रहा है, जहां पर इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं अभी जो है ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्तों को लेकर तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं। तो ऐसे में ये पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि बीते दौरान ही अभिषेक बच्चन के हाथ में वेडिंग रिंग को नहीं देखा गया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर मानो बवाल मच गया। उसके बाद ऐश्वर्या के हाथ में वेडिंग रिंग का ना होना, जैसे ऐसा लग रहा था कि मानो एक दोनों दूजे से दूरी बना चुके हैं। लगातार सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार भी सुर्खियों का कारण बना हुआ है। बच्चन परिवार का हर एक सदस्य ऐश्वर्या से दूरी बना रहा है। बच्चन परिवार का हर एक सदस्य ऐश्वर्या के खास मौके, जन्मदिन के मौके पर भी उन्हें बधाई और विश करता हुआ नहीं दिखा था। परिवार के किसी सदस्य ने ऐश्वर्या के जन्मदिन के खास मौके पर कोई भी पोस्ट नहीं किया था, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बच्चन परिवार में परेशानियां चल रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीते दौरान ही श्वेता बच्चन नंदा के बेटे अगस्त्या नंदा का फर्स्ट फिल्म डेब्यू स्क्रीनिंग रखा गया, जहां पर पूरा बच्चन परिवार पहुंचा। मगर वहीं यहां जया और अमिताभ दोनों ही ऐश्वर्या को इग्नोर करते हुए देखे गए। महज सिर्फ अभिषेक ही थे जो अपनी बेटी आराध्या और अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ साथ दिखाई दिए, वरना परिवार का बाकी सदस्य में से कोई भी सदस्य ऐसा नहीं दिखा जो ऐश्वर्या को भी आगे लेकर आता और उनसे बातचीत करता। हालांकि ऐश्वर्या खुद ही अपने भांजे अगस्त्या को चेयर अप करते हुए भी दिखाई दिए।
मगर वाकई ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन दिनों बच्चन परिवार में काफी दिक्कतें चल रही हैं। तो देखा आपने, यहां पर ऐश्वर्या बता रही हैं कि भाई घर में लड़ाई तो नहीं होती मगर नोकझोंक का सिलसिला चलता रहता है। हालांकि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई सोशल मीडिया कैमरेज के सामने, पेपराजी के सामने जो ये कपल बहुत ही अच्छी मैच्योरिटी दिखाता है, कहीं ना कहीं उनके ही रिश्तों में दरार होती है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या और अभिषेक दो बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे चेहरे हैं जिन्हें किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम ही काफ़ी है। मगर वहीं अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें और बच्चन फैमिली की बात करें तो बच्चन फैमिली इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक के बाद एक नए पे नए चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि जो र्यूमर सामने आ रही है कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार से अलग हो सकती हैं वो सही भी साबित हो सकता है। पहले अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या के जन्मदिन के मौके पर ना पहुंचना, बच्चन परिवार का ऐश्वर्या को लेकर एक अलग ही जो है उन्होंने छोड़ सा दिया है उनको, अभिषेक का वेडिंग रिंग ना पहनना, देन ऐश्वर्या का वेडिंग रिंग ना पहनना, ये साफ तौर पर ये चीज़ें झलका रहा है कि ऐसे में रिश्तों में खटास पैदा हो चुकी है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर भी पुराने इंटरव्यू सामने आ रहे हैं कि आखिरकार जब वो चीज़ें कही गई थी तब उस चीज़ों को उतनी सीरियसली नहीं लिया गया, मगर बाद में जब चीज़ें खराब होती दिखाई दी हैं तो उससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में भी ये बातें कही गई थी। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि घर के अंदर जो है कहीं ना कहीं लड़ाई नहीं है मगर काफी नोकझोंक का सिलसिला अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में चलता रहता है। खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सच में ऐश्वर्या और अभिषेक एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, क्या सच में इनकी राहें बदल जाती हैं। क्या कुछ है आपकी राय, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप मुझे दे दीजिएगा इजाजत, मैं चली, बाय बाय, टाटा।